और बात करते हैं विपक्ष के सॉफ्ट हिंदुत्व की। दरअसल पिछले कुछ महीनों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता राम राम की माला जप रहे हैं, चाहे इकरा हसन हो या अफजाल अंसारी, हिंदुत्व और आस्था की बात कर रहे हैं। ऐसे में अब लेटेस्ट बयान अखिलेश यादव का सामने आया है। अखिलेश यादव ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को गंभीर बताया है और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। अब विपक्ष के इसी हिंदुत्व वाले दाम पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए हैं और पूछा है कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए हिंदू भी अब वोट बैंक की तरह हो गया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हिंदुत्व के पिच पर सियासी बैटिंग करने की चाह अब मुस्लिम नेताओं को मंदिर की राह तक ले जा रही है। हम अगर अपने धर्म को पवित्र मानते हैं, अच्छा मानते हैं, तो हमें दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। जो दूसरे धर्म से घृणा करता है वो कभी अपने धर्म से भी प्यार नहीं कर सकता। नाम से इमरान लेकिन जुबान पर जय जय श्री राम। श्री राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिलेंगे शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे सीता की पावनता में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। ये तस्वीर आपको हैरान कर सकती है लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि पिछले एक दो महीने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम नेता जिस तरह हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मंदिर मंदिर मत्था टेक रहे हैं, वो इशारा करता है बहुसंख्यक वोट की तरफ, वो इशारा करता है 80+20 की तरफ। शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अब जो मुस्लिम नेताओं ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को साधने के लिए सियासी पिच तैयार किया था, उस पर अखिलेश यादव खुलकर बैटिंग करने लगे हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा भी उठा चुके हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, बांग्लादेश में बहुसंख्यक हो या हिंदू, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार मुद्दे को उठाए, यह आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है। दरअसल बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसके खिलाफ अब देश में अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से खूब राजनीति हो रही है। लेकिन सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं, आखिर विपक्षी नेता अचानक हिंदुत्व की बात कैसे करने लगे? क्या अब इन्हें हिंदुओं में भी वोट बैंक नजर आ रहा है? ये सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। जानबूझ करके ये केवल नाटक करने का काम कर रहे हैं कि इन्हें हिंदुओं की परवाह हो गई है। सच बात यह है कि ये पहली बार महसूस कर रहे हैं कि अब हिंदू भी इस देश में वोट बैंक के रूप में दिखाई पड़ रहा है और बिना हिंदुओं के वोट के चुनाव जीतना संभव नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी रणनीति बदलने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो समाज में जाति धर्म ऊंच नीच इन मतभेदों को, इन विभाजनों को नहीं मानती है, सबको एका में विश्वास करती है। इसलिए उसके मुस्लिम सांसद हिंदुओं की बात भी करते हैं और हिंदू सांसद मुस्लिम की भी बात करते हैं, गरीब लोग जो है अमीर की भी बात करते हैं और अमीर लोग गरीब की भी बात करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव जानते हैं कि मुस्लिम और यादव वोटर तो उनके साथ हैं, लेकिन अगर वोटर शेयर को बढ़ाना है तो गैर यादव ओबीसी जातियों का समर्थन हासिल करना होगा। इसके लिए उन्होंने पीडीए का नारा दिया था। अब उसी पीडीए के नारे में अल्पसंख्यक के साथ अगड़ों को भी साधने की रणनीति तैयार की है और उसी लाइन लेंथ पर इन दिनों पार्टी के मुस्लिम नेता हिंदुत्व वाली पिच तैयार कर रहे हैं ताकि अल्पसंख्यक के साथ बहुसंख्यक वोट में भी सेंधमारी की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।